हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर 3 का एक डाउट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो कि ट्रेन से रिलेटेड है और यह आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। ठीक है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। देखो, एक बार एक केस दे रहा है सेम डायरेक्शन का और तब ये मिलते हैं 8 आवर्स में। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है इसमें, इफ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन दे मीट 1 आवर 20 मिनट्स। अब देखो, ये आपको दे रखा है 1 आवर 20 मिनट्स, ये देखो अलग अलग यूनिट में दे रखा है, आवर में भी 20 मिनट में भी, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे। सबसे पहले देखो 1 आवर और ये 20 मिनट है ना, 20 और देखो 20 मिनट है तो 1 मिनट में कितने आवर होते हैं, 1/60 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा और 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, इसको मैं 1 + 1/3 ऐसे लिखूंगा। अब ये प्लस है ना, ये हटा दो, चाहे तो तुम एलसीएम ले लो या फिर प्लस को डायरेक्ट हटा दो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 3 आवर्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 3 और 1 4, तो ये 4/3 आवर्स। ठीक है, ये आ गया कन्वर्ट, तो मैं ये दिखा दिया आपको, अब मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ आपको। ठीक है, तो 4/3 आवर्स, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 4/3 आवर्स। ठीक है, इस तरह फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स। ठीक है, देखो सपोज करो कि ये एक पॉइंट है, जैसे एक मैं लाइन मान लेता हूँ, ये हाईवे मान लेता हूँ। ठीक है, ये आपका हाईवे हो गया। ठीक है, और ये मैं थोड़ा सा आगे भी कर देता हूँ इसको पॉइंट। ठीक है, तो देखो एक कार ए यहाँ पर है, एक कार बी यहाँ पर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 80 किलोमीटर है इन दोनों के बीच की। ठीक है, अब देखो जब भी ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, मान लो पहला केस में ये यहाँ पर करा और ये यहाँ पर चला। ठीक है, अब दे मीट इन 8 आवर्स, तो इन दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो देखो ये तो है नहीं 80 किलोमीटर ही रहेगा। अब देखो ए की स्पीड और बी की स्पीड में से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी कि बी को पकड़ पाए। मान लो ये आपका दोस्त है यहाँ पर बी, इसको पकड़ना है आपको, तो आपको तेज भागना पड़ेगा ना, तो इस वजह से ए की कार की जो स्पीड होगी ना वो तेज होगी, मतलब ज़्यादा होगी, और बी की क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में देखो, जैसे मैं मान लेता हूँ ए कार की एक्स किलोमीटर पर आर, इसकी स्पीड मैंने मान ली। ठीक है, और बी की मैंने मान ली वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है, इसकी मैंने स्पीड ये मान ली। ठीक है, अब देखो बी यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इसको 8 आवर लगेंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं, ए भी यहाँ पर मिल जाता है और बी भी यहाँ पर मिल जाते हैं, दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये 8 आवर्स में यहाँ पर पहुँचा। और ए को यहाँ से यहाँ तक जाने में देखो, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक गया ना, इसको भी 8 आवर लगे इधर। ठीक है, इसने बोला है ना, देखो सेम डायरेक्शन जब भी चलते हैं तो दोनों मिलते हैं 8 आवर्स में, तो यानी कि मतलब क्या हुआ, जब ये ए यहाँ से यहाँ तक गया तो 8 आवर हो गए और बी जब यहाँ से यहाँ तक गया तो 8 आवर हो गए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो तो ये आपको 80 किलोमीटर डिस्टेंस दे ही रखे है आपको। ठीक है, और ये 8 आवर दे रखा है और ये पूरा 8 आवर दे रखा है। ठीक है, अब ये स्पीड भी दे रखे है। देखो आप जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ए को यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ, तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ मैं, देखो एक्स किलोमीटर पर इसकी वो स्पीड है। ठीक है, एक्स किलोमीटर यहाँ मैंने स्पीड रख दी। ठीक है, देखो जैसे जैसे मैं रखते जा रहा हूँ वैसे रखते जाओ, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, डिस्टेंस हमको निकालनी है। देखो इसके बीच की, ए और बी के बीच की दूरी तो 80 है, लेकिन मेरे को इस पॉइंट से ए की, देखो इस पॉइंट से मेरे को इस पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए ए के लिए। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम कितना लग रहा है इसको, 8 आवर्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, देखो डिस्टेंस आ जाएगी इस केस के लिए 8x, ये आ गई डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये आ जाएगी 8x। ठीक है, ये 8x आ गई। ओके, अब देखो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, बस स्पीड को मैं बी के लिए रखूँगा, तो यहाँ पर बी के लिए वाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखूँगा, यहाँ पे मैं 8 आवर्स रखूँगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी 8 आवर लग रहे हैं, तो डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगी इस केस में, 8y। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, देखो यहाँ मैं कलर बदल देता हूँ पेन का, जिससे थोड़ा अच्छा समझ में आए आपको। ठीक है, तो ये वाला रुको, ये यहाँ से यहाँ तक कितना लग रहा है, 8y। ठीक है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, क्या है, डिस्टेंस है। अब मेरे को ये बात बताओ आप कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 8x।
और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 8y। अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये वाला पार्ट बचेगा हमारे पास, और ये आपको दे रखा है 80 किलोमीटर। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी डिस्टेंस में से 8x में से ये 8y को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बचेगा, 80 किलोमीटर के बराबर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं 8 कॉमन निकाल लूँगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 10 आ जाएगी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, और ये पहला केस हो गया, ठीक है। पहला केस जो था ना हमारा, वो हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं दूसरा केस करता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर सकते हो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने मिटा दिया, ठीक है, ये मैं सब कुछ मिटा देता हूँ यहाँ से, ये देखो, ठीक है, चलो पूरा ही मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो, अब दूसरे केस में क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। और ये हमने लिखा था ना 4/3 आर्स, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दी, ठीक है। अब देखो, इसमें बोला है आपसे इफ़ दे मूव इन द ओपोजिट डायरेक्शन। देखो ये यहाँ पर जा रहे हैं, और इसको मैंने क्या माना था, x किलोमीटर पर आर, ठीक है, और इसको क्या माना था मैंने, y किलोमीटर पर आर, ठीक है। आगे देखो, दे मीट 4/3 आर्स, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो देखो ये यहाँ पर चलेगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये हमको दे रखी है 80 किलोमीटर है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, ये पहले यहाँ पर चला होगा, तो ये यहाँ पर कहीं मिलेगा, ठीक है, और ये यहाँ पर चला, ठीक है, ये यहाँ पर कहीं मिलेंगे, यहाँ पर कहीं मिलेंगे दोनों के दोनों, ए भी और बी भी दोनों यहाँ पर कहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। लेकिन लेकिन देखो, मेरे को यहाँ पर स्पीड दे रखी है इसकी x किलोमीटर पर आर, ठीक है, और इसकी y किलोमीटर पर आर, ये भी स्पीड दे रखी है, और इन दोनों का टाइम दे रखा है। देखो ए, जब ये दोनों मिलते हैं ना, मिलने वाला टाइम दे रखा है, तो इसको 4/3 आर्स लगते हैं। यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 4/3 आर्स दोनों, और यहाँ से भी इस, जब भी यहाँ से चलेगा ना, ये यहाँ पर मिलेगा, इसका टाइम कितना है, 4/3 आर्स, ठीक है, ये टाइम दे रखा है हमको। तो हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड रख दो यहाँ पर, एक्स रख दो, डिस्टेंस आपकी क्या रखनी है, आपको डिस्टेंस तो निकालनी है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ये पता नहीं है ना आपको, तो डिस्टेंस हमको निकालनी होगी इस केस में, ठीक है। और यहाँ पर टाइम कितना है, 4/3 आर्स, ठीक है, 4/3 आर्स। अब देखो, इसको इससे इंटू कर दो, तो डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा इस केस के लिए, ए वाले केस के लिए 4/3 और ये x, ये तो आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही b के लिए अगर मैं निकालूँ, तो b के लिए क्या आ जाएगा, y बराबर डिस्टेंस और अपो ये 4/3, तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा b के लिए, देखो ये a के लिए है, ये b के लिए है, तो b के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, 4/3 और यहाँ पे y, ठीक है। तो देखो, अब इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस आई ना आपकी, ये वाली आई आपकी बस 4/3 x, और ये वाली जो आई ना आपकी, ये वाली आई आपकी 4/3 y, ठीक है, स्पीड का चेंज हो गया। ये डिस्टेंस आ गई आपकी, ये डिस्टेंस आ गई आपकी। अब मेरे को ये बात बताओ, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस पूरी ए से बी तक की डिस्टेंस होगी, और ए से बी तक की डिस्टेंस आपको 80 दे रखी है। तो देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर इन दोनों को ऐड कर देना, 4/3 x प्लस 4/3 y, और ये किसके बराबर है, 80 के बराबर, ठीक है। तो अब देखो, 4/3 कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है, तो x प्लस y, ठीक है, और 80। अभी 4/3 आपने कॉमन लिया ना, तो 4 ऐसे लिखोगे ना, 4/3, तो 3 तो इससे इंटू हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और यहाँ पे 4, तो 4 से काट लो, 4 × 8 = 20, 60 आ जाएगा। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, 60, ठीक है। अब देखो, दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा इसका, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारी फाइनल इक्वेशन जो बनी ना, उसको रख लेते हैं ओनली। तो देखो, दो इक्वेशन बनी, x माइनस y इक्वल्स टू 10, और दूसरी है x प्लस y इक्वल्स टू 60। अब देखो, दोनों को या तो माइनस कर दो या ऐड कर दो, ठीक है, मैं कर देता हूँ माइनस, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे, और माइनस वाई, और देखो माइनस करेंगे ना, तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का माइनस, ठीक है, माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2y, और यहाँ पे 10 माइनस 60 माइनस 50, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर क्या हो जाएगा, 50/2, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, y की तो आ गई। अब x की निकालनी है, तो इसको ये इक्वेशन 1 से ले लो, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो x और y की जगह 25 और इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 35 किलोमीटर पर आवर, और यही हमें निकालना था, फाइंड द स्पीड्स ऑफ द कार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 किलोमीटर पर आवर, और y की स्पीड क्या हो गई, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
इस तरह से इसका ये आंसर थे। और तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो का सॉल्यूशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के सॉल्यूशन पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।